अस्सलाम वालेकुम। लूज टॉक क्रिकेट स्पेशल के साथ अनवर मकसूद आपकी खिदमत में। कल से लाहौर में भारत और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट शुरू हुआ। लोग मैच देखने नहीं आए, बहुत कम लोग आए। वही लोग आए जिनको जब मालूम होता है कि स्टेडियम में स्क्रीन पे उनके चेहरे आ रहे हैं तो वो खुश होके हाथ हिलाते हैं, मुंह बनाते हैं, चीखते हैं। वो सिर्फ अपना चेहरा देखना चाहते हैं इतनी बड़ी स्क्रीन पे। वही लोग थे। वजह क्या थी कि लोग क्यों नहीं आए? लाहौर क्रिकेट का गढ़ है, लोगों को मालूम था कि नतीजा क्या होगा। मुल्तान का टेस्ट वो देख चुके थे, मगर सब कुछ उल्टा हो गया। भारत ने टॉस जीता, द्रविड ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। शब्बीर को ड्रॉप करके उमर गुल को खिलाया गया और चार हमारे यहाँ चेंजेस हुई टीम में, चार नए लड़के आए खेलने के लिए। 107 रन पे भारत के चार खिलाड़ी आउट हो गए, माफ कीजिएगा, 104 रन पे, 107 रन पे भारत के चार खिलाड़ी आउट हुए। आज जो मेरे मेहमान हैं उनको हम पिछले 3 हफ्ते से टेलीविज़न की स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप भारत के कप्तान भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे लेग स्पिनर थे और अपने ज़माने में इनसे अच्छी गेंद कोई नहीं करता था। विकेट चाहे कैसी हो मगर जब आप बॉलिंग करने आते थे तो मालूम होता था कि भाई टीम ने तो आउट होनी है क्योंकि आप बॉलिंग कर रहे हैं। तो मैं खैर मकदम करता हूँ लूज टॉक में अपने मेहमान का। चलो जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल वैसे ही बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? आज जब द्रविड ने टॉस जीता, हाँ जी हाँ जी, तो पिच पे घास भी थी, हाँ जी, लोग समझ रहे थे कि बॉलिंग विकेट है, हाँ जी, अब पाकिस्तान के पास जाहिर है बॉलर बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, मगर 107 रन पे भारत के जब चार खिलाड़ी आउट हो गए तो आपको कैसा लगा? बात ये है जी कि बाजपाई साहब का फ़ोन आ गया था। किसका? बाजपाई साहब का फ़ोन आ गया था कि दोस्ती की सीरीज है, हाँ जी, बाजपाई साहब का फ़ोन आ गया था कि दोस्ती की सीरीज है, तहजीब व तमीज़ के दायरे के अंदर खेलना। यार मुझे तो और कोई रीजन नज़र नहीं आती, 107 के ऊपर चंगे भले कितने चार आउट हो गए। ऐसी बात नहीं थी, हमारी बॉलिंग आज बहुत अच्छी थी। चंगी गल की थी है यार, आपकी बॉलिंग अच्छी है, जब बुरी बैटिंग का ऑर्डर मिल जाता है तो फिर बॉलर अच्छे ही नज़र आते हैं ना। यार देखो ना, तेंदुलकर 2 रन के ऊपर आउट हो जाता है तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे कि पाकिस्तान की कोई फिल्म जो है वो इंडिया में हिट हो गई है। चले ना, ये आप, और मेरा जवाब लगता है तुमको बहुत बढ़िया लगा है? नहीं, आप में मजाक की आदत है, आप मजाक करते हैं। और नहीं यार, देखो आदमी को जॉली होना चाहिए अनवर, बात ये है इधर बड़ी प्रॉब्लम्स आए, हंसना चाहिए यार, खुश होना चाहिए। आप भी भारतीय कप्तान रह चुके हैं? हाँ जी बिल्कुल रह चुके हैं। यार बात यह है कि उस वक्त कोई कप्तान बनने के लिए तैयार नहीं था और मजबूरन मुझे कप्तान बनना पड़ गया। हाँ जी, अभी जो आपने पहले बात की कि वाजपेयी साहब का फोन आया था कि बैटिंग कहिए करो, ऐसी कोई बात नहीं, टेस्ट मैच मजाक नहीं होता है। अच्छा, टेस्ट टेस्ट होता है। और यार मुल्तान का टेस्ट देखने के बाद तो बिल्कुल मखौल ही लग रहा था टेस्ट। इंजमाम कैसे कप्तान है? यार चंगा बंदा है यार, अच्छा बंदा है। मेरा सवाल था। हाँ जी, मेरा भी जवाब आपने सुन लिया यार, ऐसी कीड़ी गल है? नहीं नहीं, इंजमाम कप्तान कैसे? हाँ जी, इंजमाम बंदा बहुत अच्छा है। यार बड़ा अच्छा बंदा है, मेरे बड़ा चंगा लगता है। मेरा सवाल बहुत आसान सवाल यार है। मेरा इतना इजी जवाब है तुम्हें समझ में नहीं आता है? इंजमाम कप्तान कैसे है यार, इसमें इतना चीखने की क्या जरूरत है मेरी जान, वो बंदा बहुत चंगा है, इज अ वेरी फाइन मैन। मगर कप्तान कैसे है? यार बहुत अच्छा बंदा है वो, और सोचने की बात है, और जब बंदा अच्छा है तो कप्तान कैसा होगा? आप पाकिस्तान पहले भी आ चुके हैं, हाँ जी,
आपको पाकिस्तान कैसा लगता है? वो खाली एक आदमी के अच्छा लगने से क्या फर्क पड़ता है यार? मैं सिर्फ आपकी राय पूछ रहा हूँ। हाँ जी, आप और आसिफ इकबाल टेलीविजन पर जब बात करते हैं। हाँ जी, ARY के ऊपर हम लोग अभी करते हैं ना। जी जी, प्रोग्राम करते हैं। जी जी, हाँ जी, बातचीत करते हैं। जी जी, हाँ जी, तो कुछ कहेंगे उस बातचीत के बारे में? क्या कहेंगे आप, सवाल करेंगे तो मैं कहेंगे ना। जी, जो आप जो बात करते हैं, मुझे मज़ा आता है पीजे मीर के साथ। हाँ जी, बात यह है कि दुबई जो है ना, आजकल बातें करने वालों से भरा पड़ा है, और हम जो ARY डिजिटल के ऊपर आसिफ से और वो जो दूसरा क्या ना पला सा उसका नाम है पीजे मीर, और पीजे मीर जो है, और इन लोगों से बातें करते हैं। मैं तो बातें करता हूँ उनसे, ARY वाले पेमेंट करते हैं यार। और मुझे तो जब तक पैसे देते रहेंगे मैं तो बात करता रहूँगा। मैंने तो बड़ा मजा आता है यार, पैसे भी मिल रहे हैं, नाले स्टे भी है, तो इसमें क्या है? क्यों तुझे इनविटेशन नहीं दिया उन्होंने? आसिफ इकबाल हमारी टीम के कप्तान रह चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं इज़ माई फ्रेंड। जी हाँ, चंगा बंदा है, और हैदराबाद से उनका ताल्लुक़ है, और बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। वो थानू पता नहीं, हैदराबादी जड़े ने वो सारे बड़े ऑलराउंडर होंगे। ये क्या बात की आपने? अरे मैं भी हैदराबाद का हूँ। अरे यार, तो उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? आप किधर के भी हैं, मैं जिधर का हूँ मैं उधर का हूँ, आप जिधर के भी हैं मुझे क्या पता यार। क्रिकेट पे बात करने के लिए आपने मुझे बुलाया, बात आप हैदराबादी की कर रहे हैं, दिस इज टू मच यार। वो टेंशन हो गई है? नहीं, टेंशन की बात नहीं है। आप एक क्रिकेटर हैं? हाँ जी हैं। आप क्यों, मैं क्या, तो मैं तुम्हें क्या फुटबॉलर नजर आता हूँ यार? मैं हूँ क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर हूँ। एक घड़ी गल की थी यार, भारत के कप्तान भी रह चुके। हाँ जी, रह चुका हूँ, मैं बताया था आपको कि बहुत अच्छी गेंद भी फेंकते थे। हाँ जी, लेग स्पिन करते थे। हाँ जी, तो अगर हम बातचीत, क्योंकि हम दूसरा टेस्ट शुरू हो चुका है लाहौर में। हाँ जी, मैंने तो नहीं कराया। नहीं, जिसने भी कराया। नहीं, गवर्नमेंट ने कराया यार, मेरे से क्या बोल रहे हो? मैंने क्यों पूछ दो यार, ये कोई इन्फॉर्मेशन है? वो मैच कराया, कराया जिन्होंने कराया उनसे पूछो यार। देखिए, मैं पीजे मीर नहीं हूँ। हाँ जी, मैं आपसे एक सीधा सवाल कर रहा हूँ। यार ऐसी मैं मखौल कर रहे थे तुम्हारे से, ऐसे तुम नाराज होते हो। मैं तो देखता हूँ तुम्हारा प्रोग्राम। वो कौन सा है, दूसरा मुंडा आंदा है तेरे नाल कि ना? होता वो जो पेस बदल बदल के आता है तुम्हारे साथ, मुइन अख्तर। हाँ, अच्छा करता है यार वो किधर नज़र नहीं आता आजकल। मैं अखबार में पढ़ रहा था पिछले दिनों आपका दुबई में एक पाकिस्तानी से कोई झगड़ा हो गया था। और दैट वाज अ वेरी बैड इंसिडेंट यार। और यार गल छोड़ो, एक पाकिस्तानी मुझे मिला, मुझसे कहना भूषण जी, ये जो दिलेर मेदी है ये आपकी भांजी है? और यार मैंने तो उसकी पकड़ के कुट लगा दी। मैंने कहा गल छोड़, मैं हंस रहा था, मुझे हंसा ही बड़ा आया, आई लाफ्ड। इसमें मतलब ये तो मजाक की बात थी, इसमें कुट लगाने की क्या जरूरत थी आपकी? अच्छा चलो छोड़ो, मैंने सुना तुम्हारी भतीजी बहुत अच्छा गाती है, गुलाम अली। मेरी भतीजी कैसे हो सकती है गुलाम अली? तो अब तुम मेरी कुट लगाओ। तो चले यार, एक ही गल की थी। नहीं नहीं, उस तरह की बात बुरा लगता है ना। देखिए, दिलेर मेहंदी के बहुत फैन है पाकिस्तान में। ओ जी, गुलाम अली के भी बहुत फैन है उधर इंडिया में। ऐसी कड़ी गल है, बुरा मानने की, आपको मारना नहीं चाहिए। हाँ जी, नहीं जी, बाजू जी मैं माफ़ी मांगी। इस वक्त जो साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और दुनिया के माने हुए लेग स्पिनर बिशन सिंह बेदी है, मुझे बहुत पसंद है। लो जी यार, वैसे एक बात है, तुम लोगों में मैंने तुम्हारे पहले भी प्रोग्राम देखे हैं, और जिसको भी बुलाते हो तुम कहते हो ये बहुत पसंद है मुझे। और कोई ऐसा भी आया तुम्हारे प्रोग्राम में जो तुमको पसंद नहीं हो? जस्ट जोक मारा है यार मैंने, डोंट टेक इट सीरियस। विकेट चाहे कैसी भी होती थी, मगर जब बेदी बॉलिंग करते थे तो 4-5 विकेटें ले जाते थे, गजब की बॉलिंग करते थे। मैं ज़रा इनसे जो सीरीज़ हो रही है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, मैं कुछ ज़ाती गुफ्तगु करना चाह रहा हूँ जब तक आप इश्तहार देखें। इश्तहार ख़त्म हुए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ जरा संजीदा बातचीत हो। यार तो हम लोग भी बड़ी सीरियस गल कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप हर बात को एक और मुझे तो बड़ी मजा आ रही है यार। नहीं नहीं, बहुत, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज हो रही है, हाँ जी, इसके बारे में जो क्रिकेट आजकल हो रही है, हाँ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किधर हो रही है? अच्छा, इंडिया पाकिस्तान में क्रिकेट सीरीज हो रही है। और यार अनवर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जिस तरह की क्रिकेट हो रही है ना, ये इस तरह अगर क्रिकेट होती रही तो आप देखना कि ये जो
ओलंपिक्स हो रहे हैं ना इधर एथेंस में, उसमें क्रिकेट भी शामिल हो जाएगी। कैसे? और यार देखो ना, कोई शॉट पट करा रहा है, कोई जेवलॉन थ्रो करा रहा है, कोई वट्टे मार रहा है, और जिसको विकेट नहीं मिल रही है वो गालियां कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। मसलन कौन कर रहा है ये? और देखो ना, ब्रेडली है, मुरलीधरन है, शोएब अख्तर है, शब्बीर है, और ये अपना बालाजी है। मगर बेदी साहब, इन लोगों को आईसीसी ने पास किया हुआ और है। छोड़ो यार, आईसीसी को कटा पता है क्रिकेट का, और उसके अंदर जितने लोग हैं उसके अंदर वो अब क्रिकेट ही खेलते भाई। और एक बात सुनना, 100 की स्पीड से जब गेंद आके बचती है ना इधर, जोर से जब लगती है ना, जोर से जब 100 की स्पीड के ऊपर किसी आईसीसी के मेंबर को जब लगेगी ना इधर, किसी जोर से लगेगी ना गेंद 100 की स्पीड पे, तो बताने के लिए जिंदा नहीं रहेगा कि किधर चोट लगी है उसको। बात यह है, क्रिकेट में बहुत पैसा आ गया है। हर अच्छे मैच के बारे में लोग कहते हैं कि ये पहले से तय है और मैच। इंडिया पाकिस्तान की सीरीज तय नहीं थी तो मैच किधर से तय हो सकते हैं यार। मैं तो एक बात कहता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर जो है, दिस इज़ माय आइडिया, मेरा ख्याल है कि ये इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है, इसकी जो सीरीज़ है, हर साल होनी चाहिए। और एक अगर ये काम कर लेना तो बड़ा बढ़िया काम हो जाएगा कि इनके जो एम्पायर्स हैं ना, वो अपने अपने होने चाहिए, इंडिया के अपने और पाकिस्तान के अपने। वो क्यों? और सहवाग और तेंदुलकर को फिर किसी का बाप नहीं आउट कर सकता। इंडिया में अगर मैच हो रहा है, हाँ, और पाकिस्तान में अगर मैच है तो इधर इंजमाम को और योहाना को किसी तो प्यो नहीं आउट कर सकता। मगर ये लोग बोल्ड तो हो सकते हैं। और यार, नो बॉल भी तो एक चीज़ बनाई है भाई, नो बॉल होती इसलिए है। क्यों गया तुम्हें यार? आजकल जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनके लिए इश्तहार में आना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो अगर क्रिकेट खेल एडवर्टीजमेंट। जी हाँ अगर जी, वो हाँ जी। क्रिकेट खेलते हुए मतलब अच्छा नहीं खेल रहे मगर इश्तहार में अच्छा काम किया इन्होंने, तो वो लड़कियों में और औरतों में और बूढ़ियों में बहुत पॉपुलर हो जाते हाँ हैं। जी, हाँ तो जी। आप किसी इश्तहार में आए? और यार, एक दफ़ा मेरे को ऑफ़र हुई थी किसी आफ्टर शेव लोशन के कंपनी का था, मैंने उनसे कहा पैसे कितने दोगे, कहने लगे 5 लाख आपसे लेंगे। तो मैं कहा लानत भेजो यार। आपसे पैसे मांग रहे हाँ थे? जी, अच्छा बेदी साहब, ये आप ही की तरह के एक साहब हैं जो ESPN पे कमेंट्री करते हैं, हाँ, वो क्या नाम है उसका, पहला सा नाम है सिद्धू। सिद्धू। हाँ, जानता तो हूँ। सिद्धू के बारे में कुछ कहेंगे आप? और उसको क्रिकेट की समझ नहीं है, मुझे उसकी इंग्लिश ही समझ नहीं आती। हमारे जो पुराने टेस्ट क्रिकेटर्स हैं हाँ जी, जो कारदार की कप्तानी में हाँ जी, हाँ हिंदुस्तान गए जी, थे, ओल्ड टाइम हिट। जी, हाँ जी, तो उनमें कोई पसंद है आपको? फजल महमूद वॉज अ वेरी गुड मैन क्या बात किया, क्या यार, नाम लिया आपने जी, और बहुत फजल बढ़िया महमूद आदमी का। है यार। तो जब आप पाकिस्तान आते कभी मुलाकात हुई और उनसे? 4-5 बारी गया सी मैं मिलन वास्ते उनसे, कहा मैं चिट पे जाइए कि बोलो भाई बेदी आए हैं। वो कहने लगे जी मस्जिद गए हैं। अब मैं तो मस्जिद जा नहीं सकता, मैं सोचा फ्लाइट का टाइम हो रहा था, मैं क्या आज ही मिल लेता हूँ उनसे, बाहर खड़ा हो जा। मैं उधर खड़ो गया मस्जिद के बाहर, और पुलिस वाला ने फड़ लिया, कह लगे वो इधर क्या कर रहा था। उसके बाद मैंने तौबा कर ली जी। बहुत अजीम बॉलर थे, हाँ जी, बहुत अच्छे बॉलर हाँ, थे। बहुत खूबसूरत भी बहुत थे जी। और जब बम्बई आते थे, लेडीज़ चारों तरफ उनके होती थी। बहुत नेक आदमी है, पता है आपको? हाँ जी, इसीलिए वो आजकल माफिया मांग रहे हैं। ये क्या बात की आपने? देखो, जो एक बात याद रखना, जो आदमी देर से नेक होता है ना, वही माफिया मांगता है। चले, आपकी थ्योरी अपने पास एक रखें थ्योरी आप। नहीं, ये दिस इज अ रियलिटी। नहीं, आपकी थ्योरी अपने पास रखें आप अब हम प्लीज। जो तुम हैं शुरू से ही बुरे हैं, अब अगर हम लोग बाद में एकदम से ठीक हो जाते हैं ना, तो फिर हम लोग भी माफी मांगेंगे। वसीम अकरम, सारी दुनिया मानती है उनको, जितनी खिदमात वसीम की हैं हमारे मुल्क के लिए शायद किसी और बॉलर की ना लेकिन हो। तुम लोग को मानते नहीं हो यार, नहीं, कैसी और बात कर किधर रहे हो? मानते हो यार। छोड़ो, नहीं, हम मानते अभी हैं। मैं पेपर में पढ़ रहा था, उसका कोई फोटो आई है उसकी, देखिए, वो तो बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, इंसान अगर और बड़ा छोटी है, छोटी बात जब जमा हो जाती है ना, तो बड़ी बात बनती है। वसीम अकरम से बड़ा बॉलर सब कॉन्टिनेंट में कोई अवश्य नहीं है। अवश्य, इसमें तो कोई बात, इसमें तो कोई वही नहीं है, देयर इज छोटा नो सेकंड ओपिनियन। छोटा स्टार्ट, हाँ, सारा शोल्डर का जोर, 6 बॉल और सारी डिफरेंट। सारी गेंदें हाँ, डिफरेंट। कभी एक अंदर आ रही है, अरे कभी यार, वो बाहर मुझे जा रही पता है। है सब, मुझे क्यों बता रहे हो, मैं क्रिकेटर हूँ यार, मुझे मालूम है। जब एक आदमी बात कर रहा है, हाँ जी, तो एक आदमी जब कोई नई बात कर रहा है तो जवाब देना चाहिए यार, क्रिकेट में मेरे से ज़्यादा तो नहीं जानते आप। वसीम अकरम ने आपके एक बॉलर को ट्रेन किया, हाँ जी, उसको बताया
इरफान पठान को, इरफान पठान हाँ के रिवर्स स्विंग कैसे करते हैं, मालूम है बाहर गेंद कैसे मालूम है, मेरे मालूम है ऑफ स्टंप के बाहर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सवाल करें ना। इरफान का स्टाइल भी वसीम का हो गया। हाँ जी, तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है मेरे भाई कि वसीम अकरम और इरफान पठान में डिफरेंस क्या है, या फिर मैं कहूँगा आप कहते हो मकबूल करता है, वसीम अकरम को शुगर है, इरफान पठान को शुगर नहीं है, और नहीं है तो हो जाएगी टेंशन से। ठीक है जवाब यार, ये क्या सवाल हुआ है कि फ़र्क क्या है इरफान पठान में और उसमें? और छोड़े यार, सवाल सवाल ये बनता है कि भूषण सिंह बेदी तुम में और रवीना टंडन में क्या फ़र्क है? और फिर तो सवाल बनता है ना यार, ऐ तो गल हुई, एक ही गल हुई कि इरफान पठान में और उसमें क्या फ़र्क है, और दोनों बंदे के पुत्र है भाई। प्रोग्राम टेलीविज़न पे आ रहा है, इनके जवाब की वजाहत मैं आपके सामने नहीं कर सकता। आप इश्तहार देखें, मैं इनको बताता हूँ कि बिशन सिंह बेदी में और रवीना टंडन में क्या फर्क। और ना टीवी पर बताओ ना यार। मुझे मालूम है कि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है। बहुत बढ़िया है, लाहौर में आप बहुत खुश रहते हैं। हाँ जी बहुत बढ़िया है, सारे क्रिकेटर्स आपके दोस्त हैं। हाँ जी, आप गाने वगैरह सुनने जाते हैं? आप दुश्मनी कराते हैं? नहीं नहीं, आप गाने वाने भी सुनने जाते हैं? नहीं जी नहीं, इस तरह के स्टेटमेंट ना तो होए टीवी पे। गाना नहीं सुनता भाई मैं आपके साथ गया हूँ। मैं खाली कैसेट सुनता हूँ। एक दफ़ा मैं और मेरी शक्ल का कोई और चला गया होगा भाई तुम्हारे साथ। प्लीज़ इस तरह की गल ना करो यार, इंडिया भी वापस जाना है भाई। आप कैसी बात भूल रहे हैं? नहीं नहीं, तुम भी बोल रहे हो भाई। चले अगर आप, कोई बात नहीं। ये बताएं हाँ जी, हमारे यहाँ के फैशन आपने देखा? हाँ, मैं फैशन शो देखने गया था इधर, बहुत ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया था। लेकिन माफ़ करना यार, हमारे यहाँ की मूर्तियाँ ज़्यादा कपड़े पहनती हैं, सोच ही पा गया। मैं आपको एक बात बताऊँ? हाँ दो पूछो। आपके वज़ीर आज़म के लिए हाँ जी हमारे एक डिज़ाइनर ने शेरवानियाँ तैयार की हैं। हाँ जी मैंने देखी, फ़ोटो देखी। मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि अगर फ़र्ज़ करो अगर वाजपेयी जी इलेक्शन में इलेक्ट नहीं होते तो शेरवानी फिर पीजे मीर को भेज देना, उसको बड़ा शौक है। आसिफ ने तो पाओ कभी, आसिफ इकबाल पहनते ही नहीं है यार, मैं बड़ा बोला शेरवानी पहना करो। आसिफ से आपकी बहुत दोस्ती? हाँ बड़ी दोस्ती है यार, बहुत चंगा बंदा है। आपके सजेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कि अगर इलेक्शन में वाजपेयी साहब जीत नहीं सके, हाँ जी वो जीतना तो है उन्होंने, हाँ जी तो ये शेरवानियाँ वही यू नेवर नो फिर पीजे मीर पहनेंगे। हाँ जी, ख्वातीन हज़रात, लाहौर दूसरा टेस्ट पहला दिन 287 रन्स बनाए हिंदुस्तान ने, युवराज ने 100 रन बनाए, इरफान पठान ने 49 रन बनाए। ये मैच देखने के लिए इरफान पठान के माँ बाप ख़ास तौर से गुजरात से लाहौर आए। इरफान की माँ बुरका ओढ़े हुई थी और दुआएं मांग रही थी, हाथ में हल्की सी मेहंदी लगी हुई थी। इरफान के वालिद बहुत बड़ी दाढ़ी टोपी पहने हुए, वो भी दुआएं मांग रहे थे, और शायद उनकी दुआओं का ही नतीजा था कि इरफान जो कि बॉलर हैं उसके बावजूद उन्होंने 49 रन बनाए और भारत को एक बड़ा स्कोर करने की, मतलब 287 रन्स, हम तो समझ रहे थे कि 200 के अंदर भारत आउट हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की, तौफीक उमर और फरहत, इमरान फरहत बहुत अच्छा खेल रहे थे, मगर तौफीक ने एक शॉट खेलने की कोशिश की। उससे पहले वो 3 चौके बालाजी के एक ओवर मार चुके थे, उस तरह के शॉट की ज़रूरत नहीं थी, मगर गेंद बहुत अच्छी थी, वो बोल्ड हो गए और यासिर हमीद खेलने आए। मैं यार ये बात आप लोगों की पसंद नहीं आई मुझे, इस तरह का शॉट खेलने की ज़रूरत नहीं थी यार। आपको क्या पता ज़रूरत थी, जब तो खेला उसने। ये टेलीविज़न के ऊपर अक्सर मैंने देखा है, ऐसा खेल खेलने की ज़रूरत नहीं थी, ऐसा शॉट मारने की ज़रूरत नहीं थी यार, ज़रूरत थी जब वो खेलता है, उसको ज़रूरत थी उस टाइम पे ज़रूरत थी, और उन्हें शॉट मारा, ठीक मारा, आई एम सॉरी। तुसी मुझसे ज़्यादा क्रिकेट जानते हो। नहीं तो आप अपनी जबान में बोलें यार, मैं भी तो आपकी जबान बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी भी जबान का बेड़ा गर्क होने में बहुत कम वक्त लगता है,
मैंने कोशिश की कि मैं बेदी साहब की ज़बान में बात करूँ, उन्होंने टोक दिया। मेरी शराफत देखिए कि मैं खामोशी से इनकी ज़बान सुनता रहा। ये कंट्रोवर्सी है, ये इस पर कंट्रोवर्सी होगी। सर के स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए आपको बैठ के। और यार तुम मखौलियों मखौलियों वाली बात करो यार, ऐसी सीरियस बातें करते हो यार, हंसाओ लोगों को। कल दूसरा दिन है मखौल का मखौल का मजाक नहीं है, टेस्ट मजाक नहीं होता है, खुदा के वास्ते यार छोड़ो, जो कुछ टेस्ट टेस्ट होता है। आप देखिएगा, हमारे जो आंखों देखा हाल सुना रहे थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को 200 रन की लीड मिल गई तो ये मैच पाकिस्तान की जेब में है। टेस्ट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि ये टेस्ट किसकी जेब में है। तो आपसे मुलाकात होगी जब हम बात करेंगे दूसरे दिन के खेल पे, और देखिएगा मेरे मेहमान कौन होते हैं। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।